रही हो। अब इसी को हम आगे ले चलते हैं आपकी यात्रा संबंधित। और जैसा कि आपने बताया कि संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियों के बाद पार्टी ने आपको लोकसभा चुनाव में भेजा और पहले चुनाव में आपने एक बड़ी जीत हासिल करी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। संगठन और जनप्रतिनिधि, इन दोनों ही भूमिकाओं में आपका क्या अनुभव रहा है? कैसे एक दूसरे में आपको सहायता मिलती है दोनों के अनुभवों से, और कैसे आप सामंजस्य बिठा पाते हैं, ये भी अगर आप कृपया बताएं तो हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। पुनीत जी, इसके बारे में मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि संगठन का काम लगातार वर्षों से करते हुए कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है हमारी, तो विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम प्रारंभ किया। मैं झारखंड के अंदर विधानसभा लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी जब इसमें उतरे थे उस समय मैं झारखंड के अंदर था। उसके बाद कहीं ना कहीं इस दिशा में कि व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के कारण से लीडरशिप का जो डेवलपमेंट है ये अपनी इस कार्य पद्धति की विशेषता है, और उसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार जो सीखते गए, सीखते हुए जब मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर बना तो वहां संगठन में जो सीखा और जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में जिन बातों का उल्लेख अपने यहां होता है और अपने व्यक्ति को जो करेक्टिवनेस के साथ ठीक किया जाता है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधि बने तो उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर जो सीखा था उसका वहां पर हमने करने का प्रयास किया। और जब मैं जनप्रतिनिधि बना तो उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो नेतृत्व है, या माननीय शिवराज जी होंगे, हमारे और भी वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवाजी, कैलाश जोशी जी आज नहीं है, लेकिन इनके साथ भी संपर्क में आने के कारण से जो चीजें जनप्रतिनिधि के तौर पर हम एक अच्छे सांसद कैसे बन सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात का जो उल्लेख किया था पहली मीटिंग में, जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट बोर्ड की पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं। तो ये तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में मुझे चुनाव लड़ाया जहां मेरा बहुत संपर्क नहीं था। मैं विद्यार्थी परिषद के समय में कभी वहां पर रहा हूं, आना जाना रहा है, संपर्क रहा है, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई क्षेत्र था। वहां जब खजुराहो के अंदर बहुत इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्र और बड़ा गरीब क्षेत्र है, वहां जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे तय किया कि वहां पर मुझे चुनाव लड़ना है, माननीय अमित जी का आशीर्वाद इस बात के लिए, वो जब पहली सभा करने के लिए गए तो उन्होंने इस बात का वहां की जनता को कहा कि हम एक ऐसा व्यक्ति आपको मैदान में दे रहे हैं कि जो यह क्षेत्र के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता पुनीत जी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा कैंपेनर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो एक बहुमत पूरे देश के अंदर, जिसमें हम सब लोग जीत करके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि, उनके काम और उनको ऊपर एक नेतृत्व जो विश्वास इस देश ने जो व्यक्त किया, उसके आधार पर मैं लगभग 4,80,000 के करीब में उस समय चुनाव जीता खजुराहो से। तो एक संगठन के नाते से काम करते हुए जो मन के अंदर काम करने की उत्कंठा थी, अब ये लगता है कि जब जनप्रतिनिधि बन गए, सांसद बन गए, तो आपको एक अधिकार है, आप एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पॉलिसी मेकिंग होती है, जहां गरीब जनता के जो मन के अंदर उत्कंठा थी, गरीब जनता के लिए बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में क्या करेंगे, तो आप उन चीजों को उस संसद में बैठ करके, धारा 370 के बारे में मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तब हम नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, धारा 370 के लिए हम लोग आंदोलन किए थे 1990 के अंदर। ऐसी चीजें जब पूरी होती है तो मन के अंदर एक बड़ी प्रसन्नता और ये संतुष्टि होती है कि आज मैं भी उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूं एक सांसद के नाते से, कि जिसके लिए, जिस बलिदान के कारण से भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ बना, और उस विचार ने, उस बलिदान के आधार पर इतना बड़ा दल खड़ा हुआ, आज उसका जो सपना, उस समय का सपना पूरा हो रहा है। तो ये सारी चीजें जनप्रतिनिधि के नाते से जो हम कर सकते हैं, तो आज हमको एक अधिकार मिलता है कि हम इस दिशा में काम करने की हमारी भूमिका बनती है, एक अच्छा सांसद बन करके क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, और संगठन तंत्र में हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम आज इस देश के अंदर किया है, पहले प्रधानमंत्री और पहली सरकार है जो केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठाएगा, वो अपने घर में कैसे रहे, अच्छा घर उसको भी अधिकार है रहने का, गरीब माताएं बहनें जो परेशान होती थी तो उज्ज्वला योजना से माध्यम से कैसे उनका एक जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है, ऐसे एक हर प्रकार की योजनाओं को हम जनता संगठन के माध्यम से जमीन पर उतारने का प्रयास, मैंने अपने क्षेत्र में भी इसको एक प्रयास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं को
हम सांसद के तौर पर संगठन के माध्यम से बूथ बूथ पर ऐसे लोगों को कैसे हम लाभान्वित करने का प्रयास करें और जो सरकार की योजना उनको नीचे तक पहुंचाए, तो संगठन का उपयोग भी बड़े पैमाने पर इस माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री की इन योजनाओं को, मध्य प्रदेश की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए संगठन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ये प्रयास अब हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस पर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत, तो मेरा खजुराहो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। अपने संगठन के लोगों को साथ में लेकर के काम कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता इस दिशा में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की जो चीजें हो सकती हैं, तो संगठन और सरकार ये एक समन्वय के साथ हम जमीन पर चीजों को नीचे कैसे उतारें, इसमें संगठन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारी पॉलिसी मेकिंग कैसे बने, इसमें एज ए जनप्रतिनिधि हम अपनी भूमिका निभाने का जो प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि संगठन और सरकार दोनों का समन्वय और जनप्रतिनिधि होने के नाते से इन चीजों को हम कैसे करें, प्रयास एक बखूबी तौर पर करने का प्रयास हम लोग अपने क्षेत्र के अंदर भी।